द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन टू वॉच माय ऑल न्यू वीडियोस। गाइस दिस इज उज्ज्वल कुमार सैन एंड यू आर वॉचिंग उज्ज्वल कुमार सैन यूट्यूब चैनल। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि इससे पार्ट एंड सीपीएन से पीईआरटी पार्ट एंड सीपीएम वाला क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन टॉपिक है पार्ट सीपीएम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अगर आप थोड़ा सा भी प्रीवियस पेपर एनालिसिस करोगे हर साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी एक मार्क या टू मार्क्स में पूछा गया था इस क्वेश्चन को। मैं इसका सलूशन बताऊंगा तो आप बोलोगे क्या क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है क्या है। लेकिन हाँ, जब एक क्वेश्चन पूछा गया था जिस सिचुएशन में आप होते हो एग्जामिनेशन के टाइम, उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। बिकॉज पहली बात तो एक क्वेश्चन क्या था, न्यूमेरिक टाइप वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था पहला। दूसरा, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये है कि ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है क्या ये क्रिटिकल पाथ है? नहीं, ये क्रिटिकल पाथ नहीं है। क्रिटिकल पाथ मतलब क्या होता है, सबसे लंबा पाथ होता है। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा पाथ। अब हमें इसमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब इसमें कोई आपको क्रिटिकल चीज़ नहीं करना है, बस आपको काउंट आना चाहिए। अब हमें क्या करना है, सबसे कम वाले डिस्टेंस वाले पाथ को फाइंड आउट करना है। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम हमारे पास पाथ कितना है, वो पहले आइडेंटिफाई करना है। तो पाथ अंडे मैं क्या करता हूँ, अलग कलर लेता हूँ। पहला पाथ क्या है, 1, 2, 3, 3 to 5, 5 to 6, पहला पाथ आ गया। नेक्स्ट पाथ लेते हैं 1, 2, 3, 3 to 5, 5 to 4, 4 to 6, इसको अच्छे से देखना। पहला पाथ था, दूसरा पाथ, मैं इसको ए बी सी डी लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो थोड़ा भी। आराम से समझो इस चीज़ को, ए हो गया बी हो गया। नेक्स्ट पाथ देखते हैं सी, ये दोनों साइड में देखो, एक तो ए हो गया और एक इधर वाला पाथ हमने ले लिया, मतलब इसका जो कंसेप्ट था पूरा क्लियर, मतलब इससे आगे और कोई पाथ नहीं है जो 1 और 3 से होके जाता हो। अब हमारे पास क्या है, 1, 2 वाला पाथ हो गया, तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा पहला। दूसरा क्या करेंगे, 1 के बाद 2 डी लेते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, 2 के बाद 5, 5 के बाद 4, 5 के बाद 4, फिर क्या आ गया, 6 आ गया। ऐसे क्या होगा, ई लेते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 6 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, ए पाथ आ गया। लास्ट बचता है हमारे पास क्या है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, सेकेंड लास्ट होगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, और एक बात पाथ आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, क्या आ जाएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या आएगा 4, एंड 4 के बाद क्या आएगा 6 आएगा। तो आप देख सकते हो कितना हमने पाथ बनाया। अब हमें क्या करना है, इन पाथ के टोटल हमारे पास कितने डेज लग रहे हैं। अब देखो 1 के बाद 3, 1 के बाद 3, 4 डेज, उसके बाद 3 क्या आ गया, 4, 3, 7 हो गया, 7, 8 हो गया, नहीं 5, 1, 4, 3, 7 और 4, 4, 3, 7, 4, 11 आ गया, लॉन्गेस्ट पाथ हो सकता है। नेक्स्ट 1, 3, 5, 4, 6, 4, 3, 7, 8, 2, 10, नेक्स्ट क्या गया, 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6, कितना आ जाएगा, 2, 4, 6, 2, 8, 1, 2, 4, 6, 8 आ गया। सेम वे आप सारा निकालना, मैं आपको बताया तो इसका आंसर क्या होगा, जो मुझे पता है वो क्या है, 1, 2, मैं कलर चेंज करता हूँ, 1, 2, 2, 2, 2, 5, 5, 2, 4, 4, 2, 2, कितना हो रहा है, 2, 2, 1, 5 हो गया और 2, 7। तो यहाँ पर जो आंसर होगा शॉर्टेस्ट पाथ का वो क्या होगा, 7 होगा। मैंने पूरा आपको कंसेप्ट बता दिया कैसे निकालना है इन पाथ के, क्या पाथ शॉर्ट पाथ कैसे निकालने आपको और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो बहुत लॉन्गेस्ट मेथड था, आप ऐसे अप्लाई मत करना एग्ज़ाम में, लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए ऐसा मेथड सही है।
बिकॉज आपको पूरा बेस क्लियर होगा इस चीज़ से। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। सो गाइस कोई भी डाउट हो जरूर पूछो कमेंट में, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।